हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज यहाँ हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू रिलेटेड टू सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट एमसीक्यू क्या है। फर्स्ट में पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, शाह अब्दुल अजीज एंड सैयद अहमद खान पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ वहाबी मूवमेंट इन इंडिया। हाँ जी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया है कि जो वहाबी मूवमेंट हुई थी इंडिया में, उसको पॉपुलराइज किया गया था शाह अब्दुल अजीज़ और सैयद अहमद खान के द्वारा। तो और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि जो सैयद अहमद खान थे, ये आपको पता ही होगा, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के ऊपर, मैंने एक वीडियो बनाई है, तो वहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो सैयद अहमद खान है, उन्होंने स्टार्ट किया था अलीगढ़ मूवमेंट को, जो कि क्या है, जो कि एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थी। ऑन द अदर हैंड, जो वहाबी मूवमेंट थी, ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी। और यहाँ पे जो है, ये स्टार्ट की गई थी सैयद अहमद राय बरेलवी के द्वारा, ना कि सैयद अहमद खान के द्वारा। तो ये कन्फ्यूजन हो सकती है, वो थे सैयद अहमद राय बरेलवी, और जो सैयद अहमद खान है, इन्होंने स्टार्ट की थी अलीगढ़ मूवमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी रॉन्ग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वहाबी मूवमेंट वॉज आ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट विच ट्राई टू प्योरीफाई इस्लाम बाय एलिमिनेटिंग ऑल द अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस। जो वहाबी मूवमेंट थी, ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी। यहाँ पे इन्होंने कोशिश की थी इस्लाम को प्योरीफाई करने की बाय एलिमिनेटिंग जो भी अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको एलिमिनेट करके। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी, यही मेन मोटिव था वहाबी मूवमेंट का। सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड में पूछा गया है, वहाबी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उसमें वहाबी ने जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इन स्प्रेडिंग द एंटी ब्रिटिश फीलिंग। तो ये भी हमने बात की थी, जो वहाबी मूवमेंट थी, उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 में एंटी ब्रिटिश फीलिंग जो है स्प्रेड करने में। साथ ही साथ ये जो है सिख के भी काफ़ी अगेंस्ट थे, दे फाउट अगेंस्ट सिख। तो ये स्टेटमेंट भी आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। और इसका रिजल्ट क्या रहा, इसका रिजल्ट रहा ब्रिटिशर्स ने इनको काफ़ी बुरी तरीके से सप्रेस किया था। 1870 में जो है ये मूवमेंट कम्प्लीटली सप्रेस्ड कर दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। सो थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगी। सो द राइट आंसर विल बी बी, दैट इज़ 2 and 3 ओनली। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। सो द राइट आंसर विल बी बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द तत्व बोधिनी सभा इन 1839 एट कलकत्ता। हाँ जी बताइए, तत्व बोधिनी सभा, यहाँ पे आपको बतानी है तत्व बोधिनी सभा ये किसके द्वारा फाउंड की गई थी। ऑप्शंस आर केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय और शिवानाथ शास्त्री। तो आप सभी को इसका सही आंसर पता होगा, अगर आपने वीडियो देखी है। तो इसका सही आंसर है, ये फाउंड की गई थी देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। बी इज द राइट आंसर। तत्व बोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा ये जो है स्टार्ट की गई थी, फाउंड की गई थी 1839 में कलकत्ता में। और जो देवेंद्र नाथ टैगोर है, ये रविंद्र नाथ टैगोर के फादर थे। और इसके साथ साथ इसका जो मोटिव क्या था, तत्व बोधिनी सभा का मोटिव था प्रोपोगेट करना राजा राम मोहन रॉय के आइडियाज़ को। इसके साथ साथ जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने फाउंड किया था आदि ब्रह्मो समाज, ये इन्होंने फाउंड किया था 1866 में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद यंग बंगाल मूवमेंट। यहाँ पे आपको बताना है यंग बंगाल मूवमेंट से इनमें से क्या एसोसिएटेड है। ऑप्शंस आर डेरोजियंस, मित्र बंधु, केशव चंद्र सेन और बैथ्यूने स्कूल। हाँ जी जल्दी से बताइए, यंग बंगाल मूवमेंट से कौन एसोसिएटेड थे। सो द राइट आंसर इज डेरोजियंस इज द राइट आंसर। जो यंग बंगाल मूवमेंट थी, ये स्टार्ट की गई थी विवियन डेरोजियन के द्वारा, और इनके फॉलोवर्स को बोला जाता था डेरोजियंस। जो यंग बंगाल और जो विवियन डेरोजियन थे, ये काफ़ी प्रभावित थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से।
और ये टीचर थे और ये अपने स्टूडेंट को जो है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बेसिक आइडियाज थे उनके बारे में बताते थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बेसिक आइडिया क्या थे? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन से सही मैच नहीं है? फर्स्ट है ब्राह्मो समाज। ब्राह्मो समाज एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थी। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज, एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थी। अलीगढ़ मूवमेंट, ये एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थी। और लास्ट है आर्य समाज, ये एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थी। तो जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्य समाज, क्योंकि आर्य समाज जो है ये एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट नहीं थी, ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी, ना कि रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। अदर थ्री आर रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। सो ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट मैच है। ब्राह्मो समाज भी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थी, प्रार्थना समाज भी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थी, अलीगढ़ मूवमेंट भी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थी। और हमने पीछे बात की है ब्राह्मो समाज को जो है फाउंड किया गया था किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। अलीगढ़ मूवमेंट जो है ये स्टार्ट की गई थी, हाँ जी जल्दी से बताइए, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने बात की थी, ये सैयद अहमद खान के द्वारा, सैयद अहमद खान के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड द पूना सेवा सदन इन पुणे। पुणे में जो है पूना सेवा सदन जो है ये एस्टैब्लिश किया गया था। आपको बताना है ये किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। ऑप्शंस आर पंडिता रामाबाई रानाडे, स्वामी दयानंद सरस्वती, सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले। तो इसका सही आंसर है ये स्टार्ट किया गया था पंडिता रामाबाई रानाडे के द्वारा। सो ए इज द राइट आंसर। और जो पूना सेवा सदन है इसका पर्पस क्या था, किस लिए इसे एस्टैब्लिश किया गया था? ये एस्टैब्लिश किया गया था फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन बाय प्रोवाइडिंग देम एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद रेफरेंस टू देवबंद मूवमेंट। यहाँ पे देवबंद मूवमेंट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन एज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था ऑर्थोडॉक्स सेक्शन के द्वारा। नेक्स्ट है वेलकम द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो देवबंद मूवमेंट थी इसने वेलकम किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन का। थर्ड स्टेटमेंट है इन्होंने फतवा इशू किया था अगेंस्ट सैयद अहमद खान ऑर्गेनाइजेशन। तो बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है या फिर ये सभी स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। जो देवबंद मूवमेंट है ये जगह के नाम पे ही इस मूवमेंट का नाम रखा गया है। देवबंद एक जगह है जो आती है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश की, और ये जो है ऑर्गेनाइज की गई थी ऑर्थोडॉक्स सेक्शन के द्वारा एज रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। और इन्होंने जो है वेलकम किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन का, और फतवा इन्होंने जो है इशू किया था अगेंस्ट सैयद अहमद खान ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने बात की थी सैयद अहमद खान के ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था, अलीगढ़ मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था, अलीगढ़ मूवमेंट। और ये जो है रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थी। ऑन द अदर हैंड देवबंद जो है ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी, और सैयद अहमद खान जो है ये अगेंस्ट में थे पॉलीगैमी के और जो मुस्लिम डाइवोर्स सिस्टम है उसके, और साथ ही साथ ही जो है फेवर में थे वुमेन के एजुकेशन के, मुस्लिम वुमेन एजुकेशन के फेवर में थे। तो मीन्स इनमें जो है आपस में काफ़ी डिफरेंस था आइडियोलॉजी का देवबंद मूवमेंट का और अलीगढ़ मूवमेंट का। इसलिए जो देवबंद मूवमेंट है इन्होंने इशू किया था फतवा अगेंस्ट सैयद अहमद खान ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी इसके रिगार्डिंग। सो डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पेयर्ड। इनमें से कौन सा सही पेयर है? फर्स्ट है ब्राह्मो समाज। ब्राह्मो समाज जो है ये फाउंड किया गया था 1830 में। नेक्स्ट है भारत स्त्री मंडल, ये एस्टैब्लिश किया गया था 1919 में। नेक्स्ट है द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1905 में। और सेवा समिति से फाइंड किया गया 1924 में। तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी।
इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1905 में। ओके, बाकी तीनों जो हैं ये रॉन्ग मैच हैं, क्योंकि ब्राह्मो समाज को फाउंड किया गया था 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। इनिशियल नेम इसका ब्राह्मो सभा था, बाद में इसका नाम जो है बदल के किया गया ब्राह्मो समाज, इनके फॉलोवर्स के द्वारा इनका नाम चेंज किया गया था। और उसके बाद जो है ब्राह्मो समाज ये दो हिस्सों में बटा था, नाम रखा गया था आदि ब्राह्मो समाज और ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया। आदि ब्राह्मो समाज फाउंड किया गया था देवेंद्र नाथ टेगोर के द्वारा। ऑन द अदर हैंड जो ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया है इसे एस्टैब्लिश किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा। ओके, और भारत स्त्री जो मंडल जो है ये जो एस्टैब्लिश किया गया था 1919 में नहीं किया गया था, 1910 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। और सेवा समिति जो है इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1914 में। सो करेक्ट मैच है इसका सी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905। ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था? ये फाउंड किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसे फाउंड किया गया था 1905 में। और इसका मोटिव क्या था सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का? इसका मोटिव थोड़ा डिफरेंट है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मोस्टली जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी मूवमेंट है वो मोस्टली बात करती थी रिलीजन के अंदर जो ऑर्थोडॉक्सी थी उसे रिमूव करने की, जैसे कि जैसे कि प्रैक्टिसेस लाइक सुपरस्टिशियन इनके अगेंस्ट होती थी, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती थी। मोस्टली सब में यही है, बट यहाँ पे डिफरेंस है जो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी है ये बात कर ये इन्होंने हेल्प किया था जो फेमाइन रिलीफ में, फेमाइन रिलीफ उस टाइम पे जो अकाल पड़ा था उसमें रिलीफ में काम किया था, प्लस में ट्राइबल के लिए इन्होंने काम किया था। इनकी सोसाइटी का नाम था सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। और ये पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के, गांधी जी ने इनको अपना पॉलिटिकल गुरु बताया था। और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये खुद को बोलते थे कि आई एम द सर्वेंट ऑफ इंडिया, मैं इंडिया का सर्वेंट हूँ, इंडियन पीपल का सर्वेंट हूँ। तो इसी के नाम पे इन्होंने इसका नाम भी रखा था सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द पारसी रिफॉर्म मूवमेंट, जिसका नाम है रहनुमाई मजदियासनन सभा, ऑल्सो नोन एज रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन, वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। आपको बताना है ये किस ईयर में फाउंड किया गया था। ऑप्शंस आर 1829, 1851, 1879 और 1861। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये फाउंड की गई थी 1851 में, बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, और आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच है। फर्स्ट है देव समाज, देव समाज के फाउंडर थे शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट है मद्रास हिंदू एसोसिएशन, इसके फाउंडर थे वर्षालिंगम पंटालू। नेक्स्ट है निष्काम कर्म मठ, इसके फाउंडर थे डोंडू केशव कारवे। और लास्ट है सोशल सर्विस लीग, जिसके फाउंडर थे नारायण मल्हार जोशी। तो बताइए इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। ऑप्शंस है सिर्फ फर्स्ट पेयर, एक ही पेयर है जो करेक्टली मैच है, या फिर दो पेयर करेक्टली मैच है, ये सभी पेयर करेक्टली मैच है, ये कोई भी करेक्टली मैच नहीं है। ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन, यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक भी काम नहीं करेगी। अगर आपको पता है तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, और तभी आपको अटैम्प्ट करना चाहिए, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑल पेयर्स आर करेक्टली मैच, क्योंकि जो देव समाज है इसके फाउंडर हैं शिव नारायण अग्निहोत्री, मद्रास हिंदू एसोसिएशन के फाउंडर है वर्षालिंगम पंटालू, निष्काम कर्म मठ के फाउंडर हैं डोंडू केशव कारवे, सोशल सर्विस लीग के फाउंडर हैं नारायण मल्हार जोशी। तो ये सभी पेयर जो हैं वो करेक्टली मैच हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द नामधारी मूवमेंट, जिसे कूका मूवमेंट भी बोला जाता था। कूका मूवमेंट, हमने इस मूवमेंट की भी बात की थी, तो जल्दी से बताइए, आप सभी को सही आंसर पता होगा। ऑप्शंस हैं बाबा दयाल सिंह, बाबा राम सिंह, महमूद हसन या फिर जगत मित्रा। तो इसका सही आंसर है बाबा राम सिंह, इसको फाउंड किया गया था बाबा राम सिंह और भाई बालक के द्वारा, भाई बालक राम के द्वारा। ओके, इसके दो फाउंडर थे बाबा राम सिंह और भाई बालक राम। और जो नामधारी मूवमेंट के फॉलोवर्स थे वो सफेद वस्त्र पहनते थे, व्हाइट क्लोथ, दे वियर व्हाइट क्लोथ्स।
एंड वो जो है मीट नहीं खाते थे, मींस वेजिटेरियन वो लोग थे, दे डोंट ईट मीट. डोंट ईट मीट. ओके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपने कितने क्वेश्चन जो है वो सही अटेम्प्ट किए हैं. और सो आज के लिए इतना ही. यहाँ पे नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे नीचे की तरफ सबकी एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है. सो आज के लिए इतना ही. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय एंड टेक केयर.